वेलकम टू रेडियो बूम ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम है समीर इकबाल बॉस और हम आपको वेलकम करते हैं बोल पे आके बोल दे सब कुछ। इस तरह जो लाइव जुड़े हैं उनको बताते चलूं कि आज का बहुत ही स्पेशल किस्म का शो होने लगा है। हम लोग हमेशा से बात करते हैं पाकिस्तान की करप्शन की और करप्शन स्टार्ट कैसे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि करप्शन होती क्या है, तो आज हमने सोचा एक्सपर्ट को बुलाया जाए आपसे बात करने के लिए। तो पहले बताते चलो आज का शो स्पॉन्सर किया है जो हमारे साथ दीवाज है। दीवाज एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम है एम्पावर करने के लिए औरतों को। तो जो मेरी बहनें देख रही है रजिस्टर्ड करें आज ही। तो आज डॉक्टर नदीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही बेतहाशा उन्होंने काम किया करप्शन जो पाकिस्तान में हो गया। तो मेरे ख्याल में मीडिया से भी देख रहे हैं इस वक्त, वो भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस पूरे शो के साथ। तो वेलकम टू रेडियो बोल डॉक्टर नदीम, कैसे बस ठीक ठाक। वेल थैंक यू वेरी मच। पहले आप आए थे ट्रांसपोर्ट मैटर्स पे, हमने बात की थी, इलेक्शन में स्टैंड लिया हुआ था और आज हम बात कर रहे हैं करप्शन के ऊपर। तो करप्शन क्या होती है पहले तो थोड़ा सा अगर हम ये लोगों को एक्सप्लेन करें। देखिए करप्शन पे बहुत सी थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज जो हैं वो जाहिर है जो करप्शन की प्रैक्टिसेस ओवर द सेवरल इयर्स अराउंड द वर्ल्ड जो होती रही और उसका एक एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरीज में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन ब्रॉडली करप्शन पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो दैट प्रोवाइड्स ए लीगलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ करप्शन, और दूसरा जो ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट है वो है कल्चरल, which provides a cultural interpretation of corruption, जिसको आप culturalist view भी कह सकते हैं corruption. Legalistic view में जो definition है corruption की वो है abuse of public authority for private gains. अच्छा, ठीक है। अच्छा इसमें अब mainly public authority यानी जो government मुलाजमीन है उस पर applicable होती है। इसमें private सेक्टर करप्शन को ये नहीं एड्रेस करती ये डेफिनेशन है सच। दूसरे जो कल्चरलिस्ट व्यू है करप्शन का वो इसको नहीं मानते इस लीगलिस्टिक व्यू को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं और जिनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, उसमें ये एक जो वेस्टर्न बेसिकली कंसेप्शन है करप्शन का ये एप्लीकेबल है सच नहीं है, यानी ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ये एक रियलिटी है और ये मुमकिन है कि एक चीज़ जो एक सोसाइटी में करप्ट समझी जाए वो दूसरी सोसाइटी में करप्ट ना समझी जाए। अच्छा, तो कल्चर का बहुत होता है। हमारे साथ अब्दुल रशीद लाइव जुड़े हुए, दीपक जोशी और बहुत सारे लोग जो लाइव देख रहे हैं, तो सबको वेलकम हमारे लाइव शो देखने के लिए। और अब्दुल रशीद कहते हैं दूध में मिलावट करप्शन है। मिसाल मैं दूंगा कि अब एक चाइना में एक सोशल प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं क्वेंची। ग्वेंची अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन चाइनीज में मुझे नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में प्रोनाउंस ग्वेंची ही प्रोनाउंस होता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जिस ग्वेंची का अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब लगभग ये बनता है नेटवर्किंग, यानी आपको किसी भी काम के लिए नेटवर्किंग की जरूरत है और नेटवर्किंग पे आपकी का बिजनेस आपने डेवलप करना है तो यू नीड मोर क्वेंची मींस मोर नेटवर्किंग, ताल्लुकात होना लोगों के साथ। अब आपने जॉब लेनी है तो उसके लिए नेटवर्किंग वगैरह वगैरह, ये क्वेंची का जो तसव्वुर, लेकिन ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अंग्रेजी में पता नहीं हो भी सकता है कि नहीं, मैंने आपको क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन दिया है इसका। लेकिन जो क्वेंची है दिस इज मच मोर देन नेटवर्किंग। क्वेंची एक्चुअली इज ए म्यूचुअल ऑब्लिगेशन कि मैंने आपके लिए, क्योंकि ये किनशिप बेस्ड सोसाइटीज हैं,
यानी किनशिप बेस्ड सोसाइटीज जो जो कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रेवलेंट सोशल स्ट्रक्चर है. किनशिप बेस्ड सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जिसमें फर्द जो है वो एज एन इंडिविजुअल फर्द के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो एग्जिस्ट करता है इन रिलेशन टू अदर्स. ठीक है ना. सो इनफरादी डिसीशन भी जो आपने लेने होते हैं, इवन आपने शादी का भी डिसीशन लेना है तो माँ बाप की मर्जी चाहिए, फैमिली के डिसीशन, फैमिली इन सम केसेस एक्सटेंडेड फैमिली को कंसल्ट करना पड़ता है. दादे की भी कंसेंट चाहिए साथ में. हाँ, और ट्राइबल एरियाज में तो बाज़ औक़ात कुछ डिसीशन के लिए पूरे ट्राइब की कंसेंट चाहिए होती है. सो इस तरह के जहाँ किनशिप नेटवर्क होंगे या जहाँ पे किनशिप बेस्ड कल्चर होगा, यानी ब्रादरी बेस्ड, क्लान बेस्ड, ट्राइब बेस्ड कल्चर होगा, उन कल्चर्स में एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है कि मैंने आपके लिए ये किया तो आपने मुझे ये मेरे लिए किया. तो इसमें गिफ्ट एक्सचेंज फॉर एग्जांपल व्हिच इज कंसीडर्ड करप्ट इन वेस्टर्न सोसाइटीज. ठीक है ना, कि आप किसी काम के लिए गिफ्ट दें. पाकिस्तान में तो बच्चों की मिठाई के बगैर तो कोई काम ही नहीं. चाइना में भी, हाँ. कई इंडिया में भी, बांग्लादेश के बहुत सारे हैं, तो गिफ्ट एक्सचेंज करप्ट नहीं समझा जाता वहाँ पे. सोशल नॉर्म ऐसा नहीं है कि उसको करप्शन. जैसे अगर आपको किसी से काम है और आपको उससे फेवर चाहिए और आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, जी जी, ठीक है, ये इधर करप्शन समझा जी. पाकिस्तान में तो हमारी नॉर्म है एक तरह से. अगर किसी ने आपका काम कर दिया है तो आप उसको थैंक यू बोलने जाते हो, तब भी आप उसके लिए गिफ्ट ना दें तो आप वो नाराज हो जाते हैं. नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल. अच्छा, ये नेटवर्किंग यहाँ पे भी होती है, मतलब यहाँ पे भी आपने जॉब लेनी है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है ताल्लुकात. लेकिन इस नेटवर्किंग में और उस नेटवर्किंग में फर्क है, बुनियादी फर्क. यहाँ जो नेटवर्किंग है वो आपके ताल्लुकात तब काम आते हैं कि अगर आप मेरिट पे उतरते हैं, यानी एक जॉब के जो एसेंशियल क्राइटेरियाज फॉर एग्जांपल हैं, इफ यू टेक ऑल द बॉक्सेस देन समबडी कैन फेवर यू. और वो फेवर किस तरह से करेगा कि अगर दो लोग एक जैसे ही हैं, जो दोनों मेरिट पे हैं, तो वहाँ पे आपको एक आदमी कहेगा मैं पर्सनली जानता हूँ इसको, तो वो आपको फेवर कर सकता है. लेकिन मेरिट फिर भी इम्पोर्टेंट होगा, excluding few exceptions. लेकिन वहाँ पे ये नहीं है. वहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं है. वहाँ तो ये है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे एक्सटेंडेड बरादरी के कुछ लोग हैं, तो आपको मैंने फेवर करना ही करना, वरना बरादरी में नाराजगियाँ हो जाएंगी. ठीक है ना. अब ऐसा एक कल्चर जहाँ है तो सो इस तरह का जो एक करप्शन का सारा कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट में नहीं है. सो पब्लिक ऑफिशियल अगर बैठा हुआ इधर अपने क्लान और बरादरी के एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता तो उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. सो जहाँ इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे, यानी जहाँ पे इस तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे फिर ये डेफिनेशन कि पब्लिक अथॉरिटी के लिए पर्सनल गेन्स नहीं हो सकते वो मुमकिन नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है. ठीक है. अच्छा, ये तो खैर एक बेसिक वो है, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो कल्चरल इश्यू है उसके मुताबिक कि डिफरेंट कल्चर्स में करप्शन की डेफिनेशन बदल जाती है, परसेप्शन बदल जाती है बिकॉज ऑफ सोशल इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे जो लोगों ने आके लाइव ज्वाइन किया उनको बताते चलिए, आज का स्पेशल शो हो रहा है जो कि हम बात कर रहे हैं करप्शन पे पाकिस्तान, स्पेशली हम इससे पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन जो लोग इंडिया से और दूसरे किसी आप लोगों का ताल्लुक है तो आप भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. बहुत इंफॉर्मेटिव शो है, आप देखिए. और आपको किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना है तो आप कॉल, आप हमसे बात कर सकते हैं और अगले हफ्ते से तो आप हमें कॉल भी कर सकेंगे. तो अभी हम बात की हमने करप्शन की डेफिनेशन पे. करप्शन हर एरिया में उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, उसके कल्चर और उसका कंसेप्शन चेंज हो जाता है. ये मतलब व्यू है कल्चरलिस्ट जो व्यू पॉइंट ऑफ करप्शन. अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि जो लीगलिस्टिक डेफिनेशन है वेस्टर्न, यानी अब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एप्लीकेबल नहीं हो सकती. उसकी वजह यह है कि ये डेफिनेशन उन सोसाइटीज में एप्लीकेबल होती है जहाँ पे रियासत और सोसाइटी के बीच में एक शार्प बाउंड्री मौजूद हो. शार्प बाउंड्री से मुराद यह है कि जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में वो या बरादरियाँ या क्लान वो रियासत के किसी अमल को इन्फ्लुएंस ना कर सकें. ठीक है ना. लेकिन जहाँ पे ये रियासत और सोसाइटी में, यानी स्टेट सोसाइटी जो रिलेशनशिप है,
जो बाउंड्री है जहाँ वो ब्लर हो जाएगी, तो फिर ये डेफिनेशन जो है करप्शन की अब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन, ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों इसको जरा मेरा मैं थोड़ा इलस्ट्रेट कर दूँ कि इससे मुराद क्या है, कि कहाँ रियासत और सोसाइटी की बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। मसलन पुलिस है, पुलिस करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत से ममालिक में। पुलिस को पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो यानी टोटल बजट जो है उसका 88% उनकी सैलरीज है, ठीक है, और तकरीबन 12% के करीब उनको ऑपरेशनल बजट लगता है। यानी 12% बजट में वो जो ऑपरेशनल बजट है उसमें वो अपनी स्टेशनरी भी खरीद नहीं पाते, मुश्किल से खरीद पाते। तो लेकिन एक एक्सपेक्टेशन रियासत की तरफ से है कि भाई आप में ये सारा अपना कारोबार चलाना है। सो वो फिर कारोबार चलता कैसे है? वो कारोबार फिर इस तरह से चलता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रूरल एरियाज में आप जाएं, मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी अपनी रिसर्च इस पे मैंने की हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के साथ उन्होंने कुंडा लटकाया हुआ है और इलीगली इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, बिजली के बिल्स नहीं दे रहे हैं, 6 लीटर उनको डीजल मिलता है उधर तो में, जबकि 100, 200, 300 गांव एक पुलिस स्टेशन के उसमें आ जाते हैं, यानी उनकी जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं। तो वो अब रेड भी करनी हो तो कैसे करें? वो रेड करनी हो तो फिर वो गाड़ियां लेते हैं उधर के जमींदारों से, लैंड ओनर्स से, और फिर अपने जो ऑफिशियल बिजनेस है उसको चलाने के लिए भी उनको ब्राइबरी लेनी पड़ती है, क्योंकि रियासत में अनऑफिशियली उनको ये अथॉरिटी दी हुई है रिसोर्सेज ना दे के जी। कि आपने अपना बिजनेस फिर खुद लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के थ्रू ही करना है। जब आप पुलिस वाले खुद अपने ऑपरेशंस के लिए भी लोकल सोर्सेज से मोबिलाइज करेंगे, और जहाँ लोकल सोर्सेज लाइक लैंड ओनर्स, माफिया, क्रिमिनल माफिया, जब ये पुलिस को पैट्रनाइज करेगा टू रन देयर ऑफिशियल बिजनेस, तो ये यहाँ पे वो जो बाउंड्री है रियासती इदारे की और सोसाइटी की वो ब्लर हो जाएगी ना, ब्लर हो जाएगी, ठीक है। सो जब वो ऑफिशियल बिजनेस के लिए रिश्वत लेगा, ठीक है, तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए भी लेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक आदत हो गई है, आदत के अलावा मजबूरी भी है उसकी, उसको आप यानी उसकी अपनी सैलरीज भी आप देख लें कि उसमें क्या गुजारा हो सकता है उसका। और अच्छा, एक तरफ तो ये है कि उसकी सैलरीज कम है बहुत, ट्रेनिंग है कोई नहीं, क्योंकि उसके लिए भी कोई रिसोर्सेज नहीं है, जो भर्तियां होती हैं वो भी सिफारिशों पे होती हैं, ठीक है। सो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें फिर वो जब बाउंड्री ब्लर होगी तो फिर ये डेफिनेशन के अब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन, क्योंकि यहाँ तो अब्यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर पब्लिक गेन भी नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, नहीं कर रहे हैं और इसी तरह से कर रहे हैं। सो इसको एक कॉन्सेप्ट है करप्शन के लिटरेचर में, इसको कहते हैं नोबल कॉज करप्शन, नोबल कॉज करप्शन। सो ये सो दिस काइंड ऑफ करप्शन बिकम्स ए करप्शन फॉर नोबल कॉज, क्योंकि उसके बगैर वो काम ही अपना नहीं होता, नोबल कॉज करप्शन। और जब नोबल कॉज करप्शन ऑफिशियल पब्लिक ड्यूटीज के लिए वो करते हैं तो फिर वो पर्सनल गेन के लिए भी करते हैं, उनको उस तरह की सैलरी। अच्छा, पुलिस का तो समझ आता है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं इरिगेशन में पटवारी का मिसाल के तौर पर, पटवारी लोएस्ट इरिगेशन ऑफिसर है। ओके, और पटवारी पटवारी इज द लोएस्ट इरिगेशन ऑफिसर एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, इतना पावरफुल होता है कि क्योंकि सारा लैंड रिकॉर्ड इसके पास है। ओके, बस आपका लैंड है, मेरी और आपकी डिस्प्यूट हो जाए किसी लैंड पे और हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी अल्टीमेटली पटवारी के पास आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि लैंड किसका। अच्छा, और अक्सर ये और वहां पे फिर वो वेरीफाई करता है जब
तो उसको सैलरी क्या मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती, उसको ऑफिस भी नहीं दिया हुआ। उसके घर में आप पटवारी हुए घर जाए तो वो ड्राइंग रूम अपने घर में उन्होंने ड्राइंग रूम में कहीं ऑफिस बनाया होता है, सैलरी उसको मिलती नहीं, लेकिन उसने अपने असिस्टेंट यानी एक एक लाख दो दो लाख के असिस्टेंट रखे हुए होते हैं, ठीक है, वो सारा रिसोर्स कहाँ से मोबिलाइज हो रहा है? वो सारा थ्रू करप्ट ट्रांजेक्शंस के थ्रू ही मोबिलाइज हो रहा है। सो इन्होंने कोशिश की थी कंप्यूटराइज करके इस मामले को हल करें, तो ये तो कैसे हल, लेकिन वो हल हुआ नहीं। उन्हें इनका ख्याल था कि कंप्यूटराइज डेटा हो जाएगा तो पटवारी की जो ये ताकत है ये खत्म हो जाएगी, या पटवारी की जो ये एक एबिलिटी है टू गेट ब्राइब्स ये खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हुआ इसलिए नहीं कि वो डेटा जो है वो डिजिटलाइज नहीं हुआ, वो डेटा उन्होंने स्कैन यानी उसी के जो रजिस्टर्स हैं जिसको वो खुद ही पढ़ सकते हैं और दूसरे को आदमी पढ़ भी नहीं सकता, वही उन्होंने स्कैन करके कंप्यूटर पर रख दिया। और आप चले जाएं उन सेंटर में तो वो एफ ए पास बी ए पास बी ए भी बहुत कम ही आपको मिलेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो आपको दिखा देंगे कि ये आपका की फर्द है मिसाल के तौर पे जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है लैंड का, लेकिन वो उसको आप वो खुद पढ़ नहीं सकता, वो फिर आपको रेफर करता है पटवारी को बुलाता है कि आपको समझाए कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ। पटवारी फिर वहां से पैसे लेता है, ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये जानने के लिए। पटवारी बनना चाहिए था, यानी मैंने एमसीए में टाइम वेस्ट किया। पटवारी करोड़पति हैं जी, बिल्कुल। अगले अब मैं तो अपने में सो एक तो ये कि ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर इस तरह हुई है और इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इस तरह से स्ट्रक्चर हुई है कि एक लोएस्ट जो ग्रेड ऑफिशियल है ब्यूरोक्रेसी में, इसी तरह जो एसएचओ है वो सारा थाना जो चलता है वो एसएचओ के गिर्द चलता है। अब एसएचओ इज नॉट डीआईजी, इज नॉट एसएसपी एज़ वेल, लेकिन उसकी सैलरी भी बहुत कम है, वो सैलरी में बहुत बड़ी मुश्किल से मीट कर सकता है अगर वो रिश्वत ना ले। सो अथॉरिटी बेपनाह दी हुई है हमने, लेकिन रिसोर्सेज दिए भी नहीं है। तो करप्शन स्टार्ट होती है जब अथॉरिटी और रिसोर्सेज ना। एक तो ये तो एक वजह है, लेकिन बुनियादी वजह तो ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो इतने इनइक्विटेबल हैं कि वो उसकी तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन जब तक इनको प्रॉपरली रिसोर्स नहीं करेंगे आप तो उस वक्त तक ये, और उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा जो इसका एंगल है वो पॉलिटिकल एंगल है जो इस करप्शन को ऐड करता है, ठीक है ना? वो है कि सारा जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम है वो पैटर्न क्लाइंट इलेक्टोरल सिस्टम है। अब पैटर्न क्लाइंट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? पैटर्न क्लाइंट इलेक्टोरल सिस्टम ये होता है कि लोग पॉलिटिशियंस को वोट किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को उस पार्टी के मैनिफेस्टो के बेसिस पे नहीं देते कि क्या पॉलिसीज होंगे, लोगों को कंसर्न पार्टी पॉलिसीज नहीं होता। मैनिफेस्टो तो इज अ पीस ऑफ पेपर इन पाकिस्तान, पार्टीज मैनिफेस्टो, उसका तो मकसद होता है कि ये पॉलिटिशियन मुझे क्या देगा, मैं इसको वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा या मेरी इमीडिएट कम्युनिटी को क्या मिलेगा। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन देन टर्न्स द होल रिलेशनशिप of the voter with the politician or political candidate into a patron client where I become a client for them and they become my patron. Ab patron clientelism mein phir kya hai, patron clientelism mein phir jo thane ki ahmiyat hai wo bahut zyada badh jati hai, kyunki usne mujhe patronize karna hai politician ne, mera koi case ho gaya hai, aap police station jaye khas taur pe chote kasbon mein देहातों में तो हर वक्त आपको अक्सर आपको ये लैंड ओनर्स बैड पॉलिटिकल जो लोग जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्टेबल्स बैठे हुए आपको मिलेंगे लोगों के मसाइल हल करने के लिए, इसकी भैंस चोरी हो गई है, इसका ये हो गया, इसको कत्ल में पकड़ा गया, इसके सर और जिरगा वो लगा के बैठे होते हैं, जिरगा भी होता है बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जुडिशरी का, जुडिशरी के आप सेशंस कोर्ट में जाए तो वहाँ बैठ नहीं सकते जहाँ पे जजेस जो है फैसले करते हैं, यानी उनको भी रिसोर्सेज इतने कम हैं, जजों की तादाद इतनी कम है कि लोग फिर यानी आम आदमी लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज्यादातर फिर जो केसेस भी सेटल होते हैं एटलीस्ट एट द रूरल लेवल
वो फिर पंचायतों में होते हैं और वही जमींदार. सो ये लैंड टेन्योर सिस्टम जिसमें जमींदार ही इलेक्टेबल है, ठीक है ना, और उसका और वो एक ब्रोकर, पॉलिटिकल ब्रोकर बना हुआ है बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड रूरल कम्युनिटीज. इवन अर्बन में भी वो उसका जो रोल है वो ब्रोकरेज का है विद इन द पेज एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल सिस्टम. तो वहाँ पे फिर टू क्वेल द ऑपोजिशन या टू सप्रेस ऑपोजिशन पुलिस को मोबिलाइज किया जाता है. ठीक है ना. अब ये जाहिर है जब आप पुलिस को मोबिलाइज करेंगे इसके लिए तो फिर आपने उसको खुली छुट्टी दे दी ना कि आप जो मर्जी पे करें, करप्शन करें ना करें. सो जहाँ पेटेंट क्लाइंट्स, सो दो टू सम इट अप, एक तो पेटेंट क्लाइंट पॉलिटिकल कल्चर, फिर किनशिप बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर. अगर आप आसान लैंग्वेज में बोले, चलो, यानी किनशिप बेस्ड, ब्रादरी बेस्ड क्लान बेस्ड, ट्राइब बेस्ड, सोशल स्ट्रक्चर, पेशेंट क्लाइंट पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ पे इलेक्टेबल्स पे सारी, यानी जिसमें जहाँ पे चौधरी साहब ही एमपी होंगे, जहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है. पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि कौन सा बंदा जो है कैंडिडेट जो है वो इलेक्टेबल है. मेरा ताल्लुक है ना डेरा, हाँ, इलेक्टेबल उन्हीं को ही मिलेगा. सरदार खोसा फैमिली का जो खड़ा हुआ वही जीतेगा. अब फिर वो ट्रेंड चेंज हुआ. बिल्कुल. सो दूसरा ये फैक्टर हो गया. फिर ये के रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं, ठीक है ना. ठीक है. तो ये तीन मेजर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो रियासत और सोसाइटी में जो बाउंड्री होनी चाहिए वो ब्लर, वो शार्प नहीं रहने देते. नदीम साहब यहाँ पे थोड़ा सा जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया उनको बताते चलिए, आज का स्पेशल स्पेशल शो चल रहा है जो कि हम बात करें करप्शन इस हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने करप्शन को इस तरह से एड्रेस किया है. हम लोग बात जो हमने स्टार्ट की करप्शन की डेफिनेशन की, भी हमें पता ही नहीं होता कि करप्शन एग्जैक्टली है क्या. अब हम बात करें रीजंस क्या हो सकती है करप्शन की. तो जो लोग लाइव ज्वाइन किया हुआ है, फैसल बुज़दार इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है. अच्छा. आपके स्टूडेंट और अच्छा. मेरे दोस्त फैसल, I can't see you, लेकिन फैसल आपने शिरकत की, कुछ कमेंट्स लिख के बताइए साथ में. थैंक्स फॉर कमिंग, सीइंग और रादर सीइंग द इंटरव्यू. फैसल मेरा बड़ा पुराना स्टूडेंट है, मेरा ख्याल है 2014 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. आप बताएं ना, फिर एज पता चल जाएगी. फैसल बुज़दार, फैसल बुज़दार मेरे क्लास से. हां, ही वाज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट. ही इज सेइंग हाय देयर, हेलो फैसल. अब कुछ आपने कंट्रीब्यूट करना है करप्शन के हवाले से, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं. और वो कह रहे हैं प्लेजर नदीम साहब. और अच्छा, शाहिद कहते हैं, शाहिद रेशमिया, पुलिस गेट्स फ्री पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोल पंप्स एंड लेट पेट्रोल स्टेशंस टू हाइक द प्राइसेस. अब फिर ऐसे तो होता ही है ना. हाँ, होता है वही ना. तो पेट्रोल फिर पैसे उनको नहीं देंगे तो वो फिर पेट्रोल पंप से इस तरह तो होता है, इस तरह के काम. बिल्कुल. ओके, अभी हम लोग बात अब आगे बढ़ाएंगे. अभी कुछ रीजंस पर बात करनी कि करप्शन मैं सिर्फ एक इसको कंक्लूड कर दूं कि रियासत और सोसाइटी में जब ये ब्लरिंग, यानी इसका मतलब यह है कि रियासत अब अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस है या जो लॉ है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाती, कर सकती ही नहीं इस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल जो सेटअप. अभी तो हम इमरान खान पे आएंगे ना, इतने वादे. हाँ, 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 थोड़ा सा उनका भी देखेंगे. हाँ, कि उनका नैरेटिव जो था वो सारा कुछ. सो उसमें ये है कि जब मैं थोड़ा सा इसको आम आदमी के लिए ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, कि फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि शार्प बाउंड्री है रियासत और सोसाइटी में, तो इसका मतलब है कि रियासत सोसाइटी से, जब जहाँ कानून की बात होगी वहाँ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती. ठीक है ना. उसने जो कानून है फिर वो कानून है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, चाहे वो गामा हो, माजा हो, चाहे वो चौधरी हो, कोई भी हो. लेकिन जहाँ ये ब्लरिंग हो जाती है सोसाइटी इन वजूहात की वजह से जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो फिर रियासत के लिए अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है. और जहाँ ये मुश्किल होगा वहाँ करप्शन को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहता. तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अगर हम पर्टिकुलरली बात, थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि इन वेस्टर्न मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, यहाँ पे किस तरह की करप्शन होती है जो कि हम यूज्ड टू नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में तो और ही लेवल पे करप्शन हो रही थी. करप्शन तो इधर का भी पार्ट है ना. बिल्कुल है, करप्शन पूरी दुनिया में है.
और करप्शन मसले यहाँ और अमेरिका में, खास तौर पे अमेरिका में तो खैर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे करप्शन बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से होती है, और वो ये जो कि फिर जो ये लीगलिस्टिक व्यू है ना, वो उस करप्शन को भी कैप्चर नहीं कर सकता, उस किस्म की करप्शन को, यानी वो वहाँ पे यानी उस करप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये लीगल डेफिनेशन काफी नहीं हाँ। मिसाल के तौर पे यहाँ करप्शन क्या होती है, यहाँ करप्शन कॉर्पोरेट सेक्टर जितना भी है, ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं और ये जितना भी कॉर्पोरेट, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये जब फंडिंग करता है पार्टीज को कैंपेन्स में, वो भी गिफ्ट एक्सचेंज होता है, उधर फंडिंग भी करते हैं, ब्राइबरी भी करते हैं, और वो थ्रू दैट काइंड ऑफ फंडिंग for election campaigns, वो करते इसलिए हैं कि अपनी मर्जी के फिर legislations लेके आए, यानी वो अपनी मर्जी के legislation लाते हैं और फिर वो जो कुछ भी करते हैं वो legal हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है, और ये सारी दुनिया में इस तरह है, पावर जिसके पास है, पैसा जिसके पास है, वो शाहिद लक्ष्मिया कह रहे हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, हां बिल्कुल, शाहिद साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल की करप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको यानी एक आम आदमी के लेवल पे आम उस पे इस तरह करप्शन ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, अमेरिका में वहाँ पे भी है करप्शन, हर जगह है, लेकिन है। उसकी नेचर फर्क है और उसकी उसका वॉल्यूम बहुत फर्क है, ठीक है हाँ। ओके, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं, आप जूम कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो इमरान खान का जो नैरेटिव और उसका थोड़ा सा अगर हम बात करें करप्शन के बारे में, जो तब्दीली आनी थी एंड ऑल दैट, तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने जो नैरेटिव लिया है, अब जब जहाँ पे इस तरह का पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक सिनेरियो जो मैंने आपको बताया होगा, वहाँ पे अगर आप नैब जैसे इदारों को रख के सामने और करप्शन के पीछे पड़ जाएंगे तो उससे नुकसान ये होगा, और जो हो रहा है वो ये कि पूरा निज़ाम ही जो एक सिस्टमिक करप्शन पे बेस्ड है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब ने अपना पूरा इलेक्शन स्लोगन बनाया था, वो स्लोगन ही इज अ फ्लॉड स्लोगन, ये मुमकिन ही नहीं है जो वो करना चाहते थे, ना ये होगा, और ये अल्टीमेटली, ये पहले भी होता रहा, ये अल्टीमेटली फिर विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तक ही रहता है, क्योंकि अब यही हो रहा है नैब इटसेल्फ, क्योंकि नैब जैसे इदारे बना के तो करप्शन नहीं हल होगी, मसला हल नहीं होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन नैब जैसे इदारे बना के आप करप्शन नहीं हल कर सकते, करप्शन को क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि करप्शन कॉज नहीं है, करप्शन इफेक्ट है ऑफ समथिंग एल्स, दैट समथिंग एल्स, ये तीन चीजें मैंने जो आपको कल्चर, इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वो causes हैं, so इन causes को address करना होगा to deal with the discourses and practices of corruption. Corruption किसी चीज का cause, ये misconception है लोगों की कि corruption की वजह से ये होता है, corruption असल में cause है कुछ और चीजों का, किस और चीजों की वजह से, sorry effect है, कुछ और causes कुछ और है, सो जहाँ पे ये सोसाइटी में इस तरह का सिचुएशन होगी, तो ऐसी सिचुएशन में नैब जैसे इदारे बना के नहीं होगा, नैब खुद, वो इदारे खुद करप्ट हो जाते हैं, नैब खुद एक करप्ट इदारा है, ये जो अभी लेटेस्ट वीडियो आई है आपने देखी है या नहीं देखी, जो चेयरमैन नैब की है उस खातून के साथ, वो खातून नैब की केस चल रहा है, और आप देखें चेयरमैन नैब साहब क्या कर रहे हैं उसके साथ, So वो फिर अल्टीमेटली लेजिटिमेसी लूज हो जाती है सारी की सारी, जो करप्शन एंटी करप्शन जो एक कैंपेन होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इट एंड्स अप विद विक्टिमाइजेशन ऑफ द ओपोनेंट्स, वो अक्रॉस विक्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो पाती, अब इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी 90% करप्ट लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन उनपे
उस तरह का कोई अपना अब नहीं हल क्या है इस तरह के। अगर हम देखते हैं सारा करप्शन, अभी हमने बात की करप्शन की डेफिनेशन रीजन, और सबसे बड़ी बात आपने की वो ये कि करप्शन जो है ना वो जैसे इट्स नॉट अ कॉज, ये इफेक्ट है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो पुश करती हैं और वो करप्शन को लेकर आती है। तो अब हम थोड़ी सी बात करें अगर सॉल्यूशंस के, सॉल्यूशन पे जो लोग ने लाइव जो देख रहे हैं तो आप प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए कि आप किस तरह से किसी भी तरह इस सदा पे अगर क्वेश्चन है तो हाँ, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए, हम अभी आपके सवालों का जवाब देंगे। बस एक एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर नदीम मलिक। तो अभी जब तक कोई सवाल आता है एक तो है कि वो गवर्नेंस है, दूसरा जो है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पाकिस्तान, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसको पॉलिटिकल दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिफेंस। सो इसका जो सलूशन है वो ये है कि इधर का जो रियासत का पूरा नजरिया है वो बदलना पड़ेगा। हाँ जी, इतना बड़ा चेंज, उसके बगैर ये ग्रेजुअल होगा लेकिन इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत का जो नजरिया है हमारे मुल्क में वो है कि पाकिस्तान को हम कहते हैं सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी स्टेट जब तक डेवलपमेंटल स्टेट में नहीं बदलती उस वक्त तक करप्शन जैसे मसले हल नहीं हो सकते। सो इससे मुराद क्या है सिक्योरिटी स्टेट का मतलब है कि अच्छा फिर जो जब सिक्योरिटी स्टेट का पैराडाइम प्रेवलेंट है तो फिर जो नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस वो भी प्रायोरिटाइज होती है इन द व्यू ऑफ सिक्योरिटी नॉट डेवलपमेंट। ठीक है ना, जब तक लोगों 50 मिलियन से ज्यादा आपके लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आर्मी ऑफिसर्स को निकाल के बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिश्वतें ले लेके या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो रिश्वतें ले लेके गुजारा करते हैं, और बड़े ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा रिश्वतें लेते हैं, रियासत जो है वो जो टैक्सेस लेती है वो सारे वो भी सारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। 1% लोग शायद देते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो सैलरी क्लास है। सो टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन से भी कोई नहीं है, कर्जों पे आप चलते हैं, बड़ा जो एक इकोनॉमी का वो है हिस्सा वो सारी ब्लैक इकोनॉमी है। ठीक है, अब जब तक आप अपनी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी को किस सिमत सही किए बगैर अगर आप ब्लैक इकोनॉमी के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर वो होगा जो अब हो रहा है। ठीक है, ब्लैक इकोनॉमी वो ब्लैक इकोनॉमी जो थी जो कि सर्कुलेशन में थी जो किसी हद तक मतलब लोगों तक पहुंच रही थी और उनका रोजी रोजगार चल रहा था, वो ब्लैक इकोनॉमी भी अब श्रिंक हो रही है क्योंकि लोग अब ये कहते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हम करेंगे खत्म करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग तो बढ़ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग बाहर भिजवा रहे हैं जिनके पास हैं, या डॉलर खरीद के रख रहे हैं डंप कर रहे हैं, या सोना खरीद के डंप कर रहे हैं क्योंकि इतने इनसिक्योर हो गए हैं, वो इतना डायरेक्ट उनको इतना डरा दिया है आपने कि वो जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो भी श्रिंक हो गई। ठीक है, सो एक तरफ यूटिलिटीज और हर टमाटर 350 रुपए किलो मिल रहा है, सब्जियां इतनी महंगी, इंक्रीज इनकम में है नहीं, एम्प्लॉयमेंट 10 लाख से ज्यादा बंदे और अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। सो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइस हाइक बढ़ रही है, पाकिस्तानी रुपी डिवेल्यू हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ इनकम बढ़ नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही। ठीक है, वो सो उससे क्योस की तरफ सिचुएशन जा रही है। सो ये जितना भी एंटी करप्शन कैंपेन है इट इज लीडिंग द कंट्री टुवर्ड्स क्योस। इस तरह से करप्शन अगर करप्शन में खत्म होना होता तो कुछ ना कुछ तो उसकी इंडिकेशन होती ना। अब 2018-19 का जो फिस्कल ईयर है इस करप्शन एंटी करप्शन जो कैंपेन है उसका क्या नतीजा निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि 2.4% करप्शन और इंक्रीज हो गया। ठीक है,
सो जहाँ पे सिस्टमिक करप्शन है टॉप टू डाउन वहाँ पे, और ब्लैक इकोनॉमी का जो है वो मेजर हिस्सा है इकोनॉमी का, जहाँ पे आप फॉर्मल इकोनॉमी और अपने गवर्नेंस के सिस्टम को सही किए बगैर और जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्विटेबल बनाए बगैर आप ब्लैक इकोनॉमी के और इनके पीछे पड़ जाएंगे, तो यानी वही है कि दीवार जो है वो बिल्कुल कच्ची है और उसको एक और आपने झटका दिया तो दीवार गिर जाएगी, तो वो अब दीवार गिरती हुई और सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है, और उनका आप क्या कर सके जिनको आपने करप्ट किया कहा था, कुछ भी नहीं कर सके, आपकी कैपेसिटी भी आपके इदारों में के पास नहीं है कि उनको आप यानी किसी मंतकी अंजाम तक उन केसेस को चला सकें या पहुँचा सकें। सो सबसे पहली बात तो है जो वो तो ये है कि डेवलपमेंटल स्टेट का मतलब यह है कि जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, हेल्थ नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, ठीक है, उस वक्त तक करप्शन और उनको वॉइस नहीं मिलती, जब तक एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन इलेक्शंस में ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना, जब तक लोगों को आप एक इंडिपेंडेंट वोट डालने का राइट नहीं देते, ठीक है, उस वक्त तक ये करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। दूसरा इम्पॉर्टेंट यह है कि सारे लोग करप्शन 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 की बात करते रहे, इमरान खान अकेला नहीं है, इससे पहले इमरान खान ने तो एक इंतहा को पहुँचा दिया, इससे पहले भी रिजीम्स आती रही, मार्शल लॉ रिजीम जब भी आती थी वो यही कहते थे कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं, हम आके ठीक करेंगे, और उन्होंने और करप्शन मचाई थी। सो दूसरा, और लेकिन उन्होंने कभी लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए, सो जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते पाकिस्तान उस वक्त तक ये पेटन क्लाइम पॉलिटिक्स से छुटकारा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये मैंने कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स कई जर्नल्स के इंटरव्यूज जो किए हैं उनसे मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप लोग ये बात करते रहे हैं, आप हमेशा बात करते रहे फ्यूडल सोसाइटी है, फ्यूडल लॉ, यहाँ पे डेमोक्रेसी चल नहीं सकती क्योंकि फ्यूडल लॉज का इतना कंट्रोल है, वो तो जहाँ वो कहते हैं वो वहाँ वोट वहीं उनकी कम्युनिटीज डालती हैं, तो आपने लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं की, आप 10-10 साल रहे हैं हुकूमतों में ऑल पावरफुल जनरल्स, तो लैंड रिफॉर्म आपने क्यों नहीं होने दी की, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको उस पर कॉन्सनट्रेट करने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उस पर कॉन्सनट्रेट करने की जरूरत है, यानी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉसिबिलिटीज करप्शन की कम होगी। फिर जो रिसोर्स, और जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सिक्योरिटी स्टेट को इनटू डेवलपमेंटल स्टेट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको रियासती जितना बजट है रियासती जो एक्सपेंस है वो कम करना पड़ेगा, खास तौर पे डिफेंस बजट, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टैट्स दूं जो कि पाकिस्तानी मीडिया पे कभी इस पे बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है 2018-19 का वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस है, ठीक है जी, इसमें अभी रेंजर्स और फ्रंटियर कोर और जो एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो उसका बजट शामिल नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो आपका हेल्थ पे बजट है वो क्या है, वो लेस देन 1% ऑफ जीडीपी है, यानी 35 अरब रुपए के करीब, यानी पूरे 20 करोड़ अवाम के लिए जो हेल्थ बजट है 35 अरब है, ठीक है। और एजुकेशन पे क्या है, एजुकेशन पे 1.7% है ऑफ जीडीपी, डिफेंस बजट आपका 2.3% ऑफ जीडीपी है, हेल्थ पे लेस देन 1% है, एजुकेशन पे लेस देन 2% है, 1.7%, ठीक है जी। तो अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, इसमें जो मिलिट्री का शेयर है ऑफ द कंट्रीज प्राइम लैंड वो 12% है, मोस्ट फर्टाइल लैंड। मैं इधर साइट करना चाहूँगा एक किताब, वैसे तो और भी लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमें एक तो डाटा बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं, मिलिट्री के को जो बजट मिलता है जाता है उसका हमें नहीं, उस वो इतना ओपेक है कि उसमें हमें ये पता नहीं लगता कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कितने पैसों की बंदूकें खरीदी हैं, कितने पैसों के टैंक खरीदे हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च होता है, और किसी की पार्लियामेंट में ये जरूरत नहीं है कि वो इससे पूछ सके
कि आप इस जो अपना ऑडिट है हर साल का ये ट्रांसपेरेंट करें और लोगों को बताएं कि पैसा जो आपको मिल रहा है ये कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा, हर हर मुल्क को मिलिट्री चाहिए होती है अपने डिफेंस के लिए, लेकिन जब मिलिट्री के इकोनॉमिक स्टेक्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ, वो क्यों बढ़ जाते हैं? मैं आपको अब यहाँ कोट कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल कमार दावर की एक किताब है, आर्म फोर्सेस एंड देयर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। लेट मी रीड आउट व्हाट ही सेज। वो ये कहते हैं कि द आर्म फोर्सेस रन ओवर 50 कमर्शियल एंटिटीज वर्थ ओवर 20 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, यानी हम 6 बिलियन डॉलर की भीख मांग रहे हैं IMF से, और इधर मिलिट्री जो है वो 20 बिलियन डॉलर के business enterprises chala rahi hai, more than $20 billion, ranging from petrol pumps to huge industrial plants, banks, bakeries, schools and universities, hosieries, factories, milk dairies, stud farms and cement factories, cement plants. The military has a finger in each pie and stands today as the biggest conglomerate of all businesses in Pakistan. However, the jewels in their town are the 8 housing societies in 8 major towns where prime land is well manicured in well manicured continents and plush civil localities in the possession of these societies are allotted to military personnel at highly subsidized rates. Mm-hmm. Even military awards are linked with the grant of farmlands and housing plots to military personnel. So 20 billion dollar ka jo business chala rahe hain, iska ye iske profits society mein kharch nahi ho rahe, ye sirf iska major hissa to jata hai jalano ke paas, jis pe hame koi data nahi hai, hame koi transparency nahi hai is pe. Main aapko ye 2007 ke kuch stats bata raha hu ke ek major journal, main full journal ki baat nahi kar raha क्योंकि हमें इसका भी डाटा बहुत कहीं कहीं से मिलता है। जो मेजर जनरल है जब वो रिटायर होता है तो उसको तकरीबन 240 एकड़ प्राइम लैंड मिलती है, का मालिक होता है, 550,000 पाउंड्स की अर्बन रियल एस्टेट मिलती है, नहीं जिसकी वर्थ जो है 550,000 पाउंड्स है, और जो अर्बन रियल स्टेट प्लॉट्स मिलते हैं उसको वो तकरीबन 700,000 पाउंड्स के होते हैं। ठीक है जी, ये आपने चुप करा दिया मुझे, ये भी 2007 का डाटा है कि, और ये इन्हीं जनरल, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है अंदर की खबर तो इन्हीं से मिल सकती है ना, और तो कोई जरिया नहीं। जो 100 मोस्ट सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये भी 2007 का डाटा, लेटेस्ट नहीं है, उनकी जो एस्टिमेटेड वर्थ है वो 3.5 बिलियन पाउंड्स है। अच्छा, अब एक मुल्क जिसमें पुलिस स्टेशन के पास अपने ऑपरेशनल उसके बजट नहीं है, वहां पे इस यानी इतनी ज्यादा इनएक्विटी है कि अच्छा उसमें फिर हुआ क्या, सिक्योरिटी हमने स्टेट बनाया लेकिन क्या हमें सिक्योरिटी मिली है वहां को? पिछले 15 साल में 70,000 बंदा मर गया है। ठीक है, 15 साल में 70,000 बंदा मरा है बॉम्ब ब्लास्ट में, और ये टेररिस्ट हजारों बंदे जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स हैं। ठीक है जी, सैकड़ों बंदे हर साल सुसाइड करते हैं। सो हमें कौन सी सिक्योरिटी मिली इस सिक्योरिटी स्टेट ने, हमें कौन सी सिक्योरिटी? और अब तो ये हो गया है कि ऑर्गेनाइज जत्थे आते हैं, अब जो ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी किसी मुल्क की, जो हुआ है अभी रिसेंटली लॉयर्स ने जो अटैक किया हॉस्पिटल में, कितना बुरा है। सो कौन सी सिक्योरिटी फिर ये रियासत दे रही है? यानी उन्होंने ना सिर्फ वहां के हमला किया, मरीजों के मास्क तक उतारे, लेकिन पुलिस कई लोगों की डेथ हुई है और पुलिस कुछ नहीं कर सकी क्योंकि पुलिस के पास डरी हुई है।
और पुलिस के जब स्पॉन्सरिंग माफिया से और लैंड ओनर से हो रही है तो वो क्या करेगा? उसको आपने रिसोर्सेज इतने नहीं दिए, वे ट्रेनिंग नहीं दी हुई प्रॉपर। आर्मी ये जो इतना बजट हमारा सिक्योरिटी के जाते ऐसे मौके पे वो कहां होते हैं? सो अब हालत उस तक पहुंच गई है कि अगर आप डेवलपमेंटल स्टेट नहीं बनाते तो सिक्योरिटी स्टेट भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पैसे कहां से लाएंगे आप? इतना बड़ा बजट। सो बहुत ज्यादा जरूरत है कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो और सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी स्टेट का जो हलवा है ना इंडिया में खा जाएगा। ये जनरल जब रिटायर होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि आप किताबें पढ़ें, इंटरव्यूज देखें, जनरल असलम मिर्जा बेग बाकियों के, कहते हैं कोई एटॉमिक जंग हो नहीं सकती पाकिस्तान इंडिया में। आजकल के दौर में इकोनॉमिक पावर्स जो हैं वही पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स पावर्स नहीं है। अगर मिलिट्री पावर्स पावर्स होती तो ईरान अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता था। ईरान के पास कंपेयर करें हमारी आर्मी तो उनके पास क्या है? क्या हमारी तो इतनी एक हैसियत है कि प्राइम मिनिस्टर ने को अपना जो 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 दौरा है मलेशिया का इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलाई है वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सऊदी अरेबिया नाराज हो गया था। तो हम तो इतना भी स्टैंड लेने के काबिल नहीं है, हमारी तो सोवरेनिटी का ये हाल है। ठीक है, तो फिर हमें क्या सिक्योरिटी मिल रही है? बिल्कुल, हम लोग इस वक्त नदीम साहब प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो हम लोग ये किस तरह का टॉपिक है, मेरे ख्याल में अगर हम एक पूरा सीजन भी करें ना इस जी, पर जी बिल्कुल। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक हम इधर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, गुर्बत कम नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते, और जब तक मिलिट्री सियासत में अपना अमल दखल नहीं छोड़ती, क्योंकि अमल दखल उनका है इसलिए कि इतने बड़े इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, इतनी प्रिविलेजेस हैं। सो जब तक ये नहीं होता, ये रिफॉर्म्स नहीं होते, और इसमें बहुत टाइम लगेगा। और हम साथ ही सतह पे पर्सनल लेवल पर यह हम लोग किस तरह से इस जंग को लड़ सकते हैं? पर्सनल सतह पे तो देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्कॉलर है, इंटरनेशनल स्कॉलर है, बुश ने जब जंग लड़ी थी ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू की थी, तो उसने वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन शुरू की थी, हर मुल्क में वो जाके उसके खिलाफ बात कर रहा था। पाकिस्तान में लाहौर में वो उसने एक लेक्चर दिया था जो मैंने भी अटेंड किया था, उसने एक बात की, उसने ये कहा कि अमेरिकन अवाम को अगर ये पता लग जाए कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नतीजे में कितने लाख इनोसेंट अफगानीज मर रहे हैं तो वो लोग सड़कों पे निकल आएंगे और बुश को ये वॉर नहीं करने देंगे। लेकिन वो कहता है कि मीडिया ने उनको इतना इग्नोरेंट रखा हुआ कि उनको ये पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान में असल में हो क्या रहा है, कितने इनोसेंट सिविलियंस मर रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि यहाँ इंफॉर्मेशन लोगों को बताया जाए कि असल में सूरत हाल है क्या, है क्या और एक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। लोग अब तो खैर बाजवा साहब ने कमालात जो है वो ये है कि सेंट्रल पंजाब इनका हब था जो इनको बहुत बड़ी सपोर्ट देता था, अब तो सेंट्रल पंजाब में भी ये इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि मेरे रीसेंट विजिट में लोग इनको हर चीज का मुरद इल्जाम चला रहे हैं कि भाई आप इमरान खान को लाए, आपने ये किया, जो कि मेरा नहीं ख्याल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको इनका काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। और लोगों में अगर इनकी भी लेजिटिमेसी खत्म हो रही है तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, तो किसी भी इदारे में लेजिटिमेसी किसी इदारे की रह नहीं गई। जत्था जो होता है ऑर्गेनाइज होकर सड़क पे आता है, पूरा सिस्टम लैप्स कर देता है, तो रिट ऑफ द स्टेट कहाँ है और सिक्योरिटी कहाँ है? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी अपनी गार्ड्स रख के अपना गुजारा कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते वो रुल रहे हैं। ठीक है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज भी नहीं कि रिटायर्ड जनरल्स चला रहे हैं। ऐसा हम लोग अब प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और टॉपिक इस तरह का था, काफी इम्पोर्टेंट और सोच में डाल दिया इसने कि मैं इससे ये सोच रही हूँ कि जब भी गवर्नमेंट की जो हमने सारी बात की वो मेरे हाथ में इतनी नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनली मेरे हाथ में क्या है,
तो आपने बाहिसते पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो आप पर्सनली ज़ाती तौर पे करप्शन को कैसे रोक सकते हैं, अपना रोल पॉजिटिव प्ले करें? पहली बात तो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे मेरे जैसे लोगों को जो हम ये बात करते हैं लोगों को बताते हैं तो पहला तो इल्ज़ाम लगता है कि ये गद्दार है, यानी फौज के मुतालिक बात करना तो मुल्क से गद्दारी हो जाती है। असल जो कल्प्रिट है इसमें, इस पर बड़ी अच्छी वैसे एक टॉक जो है गांधी मौलाना गांधी साहब ने भी की हुई है, वो लोगों को देखनी चाहिए जिस पे उन्होंने इस मौजू पर बात की हुई है। सो जो असल में जो लोग जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल का, क्योंकि नवाज शरीफ कौन था, नवाज शरीफ को भी यही लाए 30 साल उन्होंने कहा खुले आप जो मर्जी करते हैं, जब नवाज शरीफ थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हुआ उनको उसको हटा दिया, फिर इमरान खान को लाया, इमरान खान के साथ भी कल यही होना है। तो एक पॉलिटिशियन मेच्योर होता है उसको हटा देते हैं या मार देते हैं, भुट्टो साहब को मार दिया था, ठीक है। सो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, ये पेटेंट क्लाइंटलिज्म चलता रहेगा, जब तक नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होते रहेंगे, जब तक आप खुद पॉलिटिकल जो उस मैदान है उसकी बसात आप बचाते रहेंगे, ठीक है, और जब तक आप लैंड रिफॉर्म नहीं करते, जब तक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी लो, क्योंकि लोगों की डेवलपमेंट होगी तो ग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अदरवाइज कैसे, लोगों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, कैसे नहीं हो सकता। डेटरेंस आपके पास आ गई है, आप न्यूक्लियर पावर है, आपको मजीद बजट की क्या जरूरत है? चाइना का मैं आपको कुछ कंपैरिजन भी दे दूं कि चाइना का जो हमारा 3.2% है GDP, चाइना जो है वो 2.1% है, इंडिया जो है सॉरी 2% है, इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक बजट का जो परसेंटेज है मिलिट्री बजट वो 2.1% है, ठीक है। अब चाइना ने जब न्यूक्लियर पावर बन गया था तो फिर उन्होंने डिफेंस नहीं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया और वो आज सुपर पावर बने हुए हैं, चाइना को कौन ला सकता है? आप भी आज इकोनॉमिक पावर बन जाए आपको किस चीज से खतरा है? कोई खतरा नहीं। और मिलिट्री भी आप तभी मेंटेन रख सके, अब तो आप उस हालत पे पहुंच गए हैं कि अगर आप डेवलपमेंट पे काम नहीं करते तो आप तो अपनी मिलिट्री को सस्टेन नहीं कर सकते, और करप्शन इसके बगैर नहीं जाएगी, यानी इन बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर करप्शन रहेगी, और जब भी एंटी करप्शन मूव होगी वो विक्टिमाइजेशन में ही बदल जाएगी और उसकी और अपनी लेजिटिमेसी खो बैठेगी। अब इस वक्त जो आपके फिर वही के कुछ चंद गिने चुने नाम होते हैं जिनसे सारा करप्शन का हिसाब लिया जा रहा होता है। बिल्कुल, हम लोग इस नोट पर इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि आप सोचें, और आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज बताइएगा, इसमें करें तो हम लोग एक दोबारा सेशन भी रख सकते हैं बात करने के लिए, और प्रोग्राम को एंड करते हैं और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर में दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने आप लोगों को देना है, तो वो मैंने सोचा इस शो में नहीं होना चाहिए, तो आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और गर्म गर्मा गर्म मेलबर्न में इस वक्त मौसम चल रहा है, और पानी शानी पिए खूब और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा सिडनी में रहने वाले लोगों का। मैं सिर्फ एक बात ये बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये पूरी दुनिया को मालूम है, सिर्फ हमारे पाकिस्तानी ज्यादातर भाइयों को नहीं पता, बस आज पता चल गई। चले सही, अपना ख्याल रखें।